नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस के वाहन इस कदर कंडम है कि चलते चलते उनके टायर फट रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा है आपको तो आपको हम मुरैना ले चलते हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह के काफिले में शामिल पुलिस के वाहन का टायर फटा और वो जा टकराया खड़े ट्रक से। आप खुद देखिए नजारा। पुलिस के बेड़े में गंडम वाहनों की भरमार, चलते चलते फट रहे हैं वाहनों के टायर। स्वास्थ्य मंत्री के काफले का वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, टायर फटने से हुआ हादसा, वाहनों की फिटनेस में गंभीर चूक, आखिर कौन है जिम्मेदार? मुरैना के नूराबाद थाने के नजदीक नेशनल हाईवे से होकर गुजर रहे स्वास्थ्य मंत्री के काफले में शामिल इस वाहन की दुर्दशा अचानक टायर फट जाने से हुई है। इस हादसे में रुस्तम सिंह तो बाल बाल बच गए, लेकिन वाहन में सवार 3 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। यह हादसा देखा गया और सुना गया और जल्द ही भुला भी दिया जाएगा, लेकिन इस दुर्घटना से जो गंभीर सवाल खड़ा हुआ है वो ये कि मध्य प्रदेश पुलिस इतने कंडम वाहनों से काम चला रही है कि चलते चलते उनके टायर फट रहे हैं, और तो और वीआईपी मूवमेंट में इन्हें बिंदास शामिल भी कर दिया जाता है। सवाल यह भी है कि क्या पुलिस वाहनों की फिटनेस को लेकर कोई नियम कायदे नहीं हैं, और हैं तो वो लागू क्यों नहीं किए जाते? जिस वाहन का टायर फटा वो काफिले में सबसे आखिरी में शामिल था। यदि यही वाहन माननीय की कार के आगे होता तो सोचिए क्या नहीं हो सकता था। सवाल सिर्फ वीआईपीओं की सुरक्षा का नहीं है, सवाल पुलिस के उन जवानों की सुरक्षा का भी है जो इन्हीं कंडम वाहनों से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। आखिर कौन है जिम्मेदार? सड़क पर मौत बांटते वाहनों की फिटनेस को लेकर परिवहन विभाग हमेशा से ही बदनाम है, लेकिन गृह विभाग की स्मार्टनेस इन वाहनों की फिटनेस को लेकर धरी की धरी क्यों रह जाती है? और सबसे बड़ी बात ये कि गृह और परिवहन दोनों ही महकमे एक ही मंत्री यानी भूपेंद्र सिंह के पास है। सवाल बड़ा है, लेकिन इसका जवाब फिलवक्त किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। अपराधी कितना भी शातिर हो, क्रिमिनल कितना भी खतरनाक हो, गुंडे कितने भी बेखौफ हो, अगर आप है सावधान तो आप टाल सकते हैं कोई भी वारदात। हम करेंगे आपको अलर्ट कि क्राइम से पहले क्राइम फर्स्ट। देखिए क्राइम फर्स्ट, मिशन अगेंस्ट क्राइम, सिर्फ इंडिया फर्स्ट न्यूज पर।